दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल भारत में अब तक 130 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दुनिया भर में अब तक कोरोना से 7,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मामले सामने आए हैं। ऐसे में सरकार ने विदेशियों को मिलने वाले वीज़ा को रद्द करने से लेकर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तक सब बंद कर दिया है। साथ ही सभी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। वहीं इसी बीच एक ऑडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल व्हाट्सएप पर हाल ही में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से आने वाले दिनों में भारत में चीन के वुहान शहर की तरह लॉकडाउन होने जा रहा है। इसको सुनते ही लोग बुरी तरह डर गए हैं, घबराहट में अपने परिचितों को इसे भेजने लगे ताकि वो भी समय रहते सभी ज़रूरी सामान अपने घरों में जुटा लें। आपको बता दें कि सरकार को जब इसका पता चला तो उन्होंने इसका संज्ञान किया और इसे पूरी तरह फर्जी बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार के अधीन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इस ऑडियो क्लिप को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ये पूरी तरह फर्जी है और डर फैलाने के लिए इसे प्रसारित किया गया था और इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।